हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेटिंग्स मैथ्स मीडिया। आज हम मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, जो आपका पहला चैप्टर है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के बारे में आप 7th में शायद से थोड़ा कुछ पढ़ चुके हो, बट फिर से हम बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो आप जितने नंबर पढ़ के आए हो और अभी आप जो पढ़ने वाले हो, यहाँ तक हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर्स के टाइप्स आपको मैं बताता हूँ कि पहला टाइप है नेचुरल नंबर, जो आप पढ़ के आए हो। नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट, अंत तक जाते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1। स्टार्टिंग नंबर क्या है? 1। बट अगर 0 हो तो 0 को हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होता है। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट तक जाते हैं। उसके बाद आप पढ़ चुके हो होल नंबर्स के बारे में। तो होल नंबर्स में क्या क्या काउंट होता है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। होल नंबर्स हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से, ठीक है। 3 को हम होल नंबर भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, बट 0 को सिर्फ हम होल नंबर ही बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या काउंट होता है? तो इंटीजर्स में माइनस 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, माइनस के डिजिट भी आते हैं, 0 भी आता है, प्लस के डिजिट भी आते हैं, ठीक है। माइनस में 1 से लेके इनफाइनाइट तक जा सकते हैं हम इंटीजर्स में, 0 भी काउंट होता है इंटीजर्स में, और 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट तक हम जाते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इंटीजर्स। तो ये सभी को हम इंटीजर्स बोल सकते हैं, बट माइनस 3 होगा तो हम इसे ना तो नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, ना तो होल नंबर बोल सकते हैं। इसके बाद इस साल आपको क्या पढ़ना है? फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में हम डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर आपका रेशनल नंबर पे ही है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर की डिफाइन देखते हैं कि रेशनल नंबर बोलते किसे है। सी, मैंने यहाँ पे डिफाइन लिखी है, अ नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म पी बाई क्यू। जो नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, पी बाई क्यू, तो इसके इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरेटर। ऊपर जो होता है उसे हम न्यूमेरेटर बोलते हैं, और जो नीचे होता है हम उसे क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? पी क्या था? न्यूमेरेटर। क्यू क्या था हमारा? डिनोमिनेटर। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू क्या है? इंटीजर्स है हमारे, ठीक है। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, खास आपको ये कंडीशन देखनी है कि कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा 25/0, तो मैं 0 से किसी भी डिजिट का डिवीजन नहीं कर सकता हूँ, ये इनवैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी क्या नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कोई भी नंबर ऐसा जिसे हम p by 2 फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। बट अभी भी q में कोई भी इंटीजर आ सकता है, -50, -100, -125, -373, -435, कुछ भी आप ले सकते हो, सिर्फ आप क्या नहीं ले सकते? 0 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 0 को हम किसी भी डिजिट को 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये चीज आपको याद रखनी है, ये कंडीशन याद रखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, 2/3, -4/7, 8/3, ये सभी क्या है? पी बाई क्यू फॉर्म, ये इसमें ये पी, इसमें ये क्यू। और सी स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है, माइनस के बाद 4/7, तो ये माइनस हम 4 के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, 7 के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा डिजिट क्या हुआ? माइनस का हुआ। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये माइनस लिखा है कि ये 4 ही माइनस है और 7 पॉजिटिव है, ऐसा नहीं कर सकते। ये पूरे डिजिट के बीच में हम माइनस दे सकते हैं, ठीक है। नाउ सी, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा 25, तो आप क्या बोलोगे? 25 इंटीजर है, या 25 होल नंबर है, या 25 नेचुरल नंबर है? बट 25 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। कैसे? देखिए, 25 के नीचे मैं 1 लिखूंगा तो वो तो 25 रहेगा, ठीक है, बट इसे मैंने p/2 फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ।
ठीक है, वह 25 इज द न्यूमरेटर और 1 इज द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 25 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, तो कोई भी नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो चाहे इंटीजर हो, इसे हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। जैसे कि 0 मैंने लिखा, तो 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। कैसे? 0 ऊपर है, नीचे मैं 1 लिखूं, 0 डिवाइड बाय 1, आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। 0 को कोई किसी भी डिजिट से डिवाइड कर लूं, चाहे मैंने 25 से डिवाइड कर लिया, तो आंसर क्या आने वाला है? 0। तो 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है ना। उसके एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, अब हम रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे। तो रेशनल नंबर का एडिशन कैसे होता है? सी, यहां पे हमें दिया हुआ है 3/8 और यहां पे दिया है 4/5। तो देखिए दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग, ठीक है। तो रेशनल नंबर में जब भी हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो, तो हमारा पहला काम होता है कि डिनोमिनेटर को सेम करना। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। कैसे? तो यहाँ पे देखिए, हम 8 और 5 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो डिजिट है उसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आपने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीख लिया है, 6-7 में सीख लिया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ एलसीएम कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे दो बॉक्स बना के, एक में 8 लिखो, एक में 5 लिखो। अभी देखिए, सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 4 जाए 5, तो 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो 5 को हम ऐसे ही रखेंगे। 10 2 2 2 जा 4, 5 अगेन नहीं आएगा, अगेन 2 2 1 जा 2, 5 को हम ऐसे ही रखेंगे। अभी देखिए, 2 के टेबल में 5 नहीं आएगा, ना 3 के टेबल में आएगा, डायरेक्ट कौन से टेबल में आएगा? 5 के टेबल में। तो 5 1 5 1 5, तो अभी हमारा एलसीएम क्या है? तो ये सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 × 2 × 2 × 5, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 8, 5 = 14, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या है यहाँ पे? 14। तो हम क्या करेंगे, अभी दोनों के नीचे हमें क्या करना है, जो हमारा एलसीएम आया वो हमें यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो पहले इसको ऐसे ही लिख लो, 3/8 + 4/5, ठीक है। अभी सी, हमें क्या लाना है डिनोमिनेटर में? 40। तो 8 को हम कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 40 आएगा। 8 का टेबल बोलो, तो 8 × 5 = 40। नीचे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर दो ही डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने सिर्फ नीचे दिया ऊपर ना दे तो चले, ठीक है। जैसे कि आप घर में रहते हो, अगर आपके पेरेंट्स आपके भाई को पूछ देते हैं, अगर बहन को नहीं देते, तो ऐसा चलेगा नहीं, सबको सेम देना पड़ेगा। तो वैसे ही हमने डिनोमिनेटर में दिया, तो न्यूमरेटर में भी देना पड़ेगा, ठीक है। और 5 को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें क्या लाना था? एलसीएम 40, ठीक है। नाउ सी, यहाँ पे 4/5 है, तो आपको 5 का टेबल बोलना पड़ेगा। कब तक? जब तक 40 ना आए तब तक। तो 5 × 40, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया? 8 से। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ सी, 5 × 3 = 15, 8 × 5 = 40, प्लस 8 × 4 = 32, 5 × 40। दोनों का डिनोमिनेटर सेम। जब भी डिनोमिनेटर सेम हो जाए, हम क्या करेंगे? 2 की जगह पे 1 लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया? 40। ऊपर क्या बचा? 15 + 32, ठीक है। नाउ सी, 5 + 2 = 7, ऊपर ऊपर का एडिशन कर लो, 3 + 1 = 4, 7/14, ठीक है। तो हम रेशनल नंबर का एडिशन करेंगे, तो हमें मिलेगा भी क्या? रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, ताकि आपको अच्छे से आइडिया आ सके। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3/8 + −5/7, ठीक है। अभी देखिए, अगेन दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 8 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 × 4 = 8, 7 ही आएगा, 2 × 2 = 4, 7 as it is, 2 × 1 = 2, 7 as it is, नाउ 7 × 1, 7 × 1 = 7। तो हमारा एलसीएम क्या आया? 2 × 4 = 8, 7 =
56, ठीक है। ये सब का मल्टीप्लिकेशन किया मैंने तो एलसीएम क्या आया 56। अभी हमें क्या करना है, दोनों के नीचे क्या लाना है 56, तो 3/8 प्लस माइनस 5/7 ऐसे भी लिख लो, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। नीचे क्या लाना है हमें 56 लाने के लिए 8 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, मल्टीप्लाई 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। नाउ 3 7 21 8 7 56 प्लस 5 40 8 7 56 तो 21/56 यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस 40/56। दोनों के डिनोमिनेटर सेम तो हम डिनोमिनेटर कितनी बार लिखेंगे सिर्फ वन टाइम 21 प्लस माइनस 40। अभी आपको पता है प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है माइनस, तो 21 माइनस 40/56। 40 में से 21 जाएगा प्लस माइनस माइनस होगा, बट साइन किसका आएगा बिगर डिजिट का, तो यहां पे क्या आएगा -19/56। आपको आगे से याद रखना है जब भी यहां पे एडिशन वाला रूल आए प्लस माइनस माइनस बट साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, घर में किसकी चलती है जो बड़े होते हैं उसकी, तो यहां पे भी हम किसकी चलाएंगे जो बड़ा डिजिट है उसकी, ठीक है। तो साइन किसका लेंगे हम माइनस का। Now, subtraction of rational number, subtraction and addition, both are same ही होगा। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे भी देखिए denominator क्या है अलग अलग, तो हमारा पहला काम क्या होगा LCM लेना 6 और 9। 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे 2 3 6 9 ऐसे 20, अभी 3 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो 3 से स्टार्ट करेंगे 3 1 3 3 3 9 3 यहाँ पे 1 3 1 3 तो एलसीएम क्या आया हमारा 2 × 3 × 3 3 3 9 2 18, ठीक है 18 हमारा एलसीएम। अभी दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए 18, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4/6 ऐसे भी लिख लो माइनस 5/9 ऐसे भी लिख लो, ठीक है। नाउ क्या आना चाहिए दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में 18, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 के टेबल में 18 कब आएगा 3 6 3 7, तो ऊपर भी 3, 9 के टेबल में 2 5 2 10, 4 3 12 6 3 18 माइनस 5 2 10 9 2 18 सी 12 − 10 / 18, 12 − 10 क्या होगा 2 / 18। अभी देखो 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 9 7, तो ऊपर नीचे 2 2 क्या हो जाएगा कट, तो बचा क्या ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो हम 1 लिखेंगे, नीचे क्या बचा 9, तो 1/9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही एडिशन और सबट्रैक्शन क्या होता है सेम मेथड से होता है। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही इजी है, आपको क्या करना है जो कट हो रहा है उसको कट करना है, और जो कट नहीं हो रहा है उसमें न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन। तो नाउ सी 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 6 18, सी ऊपर नीचे 3 3 कट, तो ऊपर क्या बचा 2 और 6, बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन, अभी कुछ कट नहीं होगा तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे प्लस माइनस माइनस 6 2 12, नीचे क्या आएगा 5, तो −12/5 6 2 12 − 12 डिनोमिनेटर में 5। नाउ यहाँ पे 9 5 45, तो 5 5 कट, सॉरी 9 5 45, तो 9 9 ऊपर नीचे कट। अभी देखो 5 के साथ 7 का कुछ नहीं हो सकता कटेशन, तो माइनस माइनस क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में प्लस 5 5 25 / 7, इट इज अवर फाइनल आंसर। तो इसी के साथ आज हमने क्या देखा एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम डिवीजन के बारे में देखेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार वीडियो रिपीट कीजिए और इसको समझने का ट्राई कीजिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।